इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चारों लाला क्या आनंद हो रहा है, थोड़ा समय बीता। मेरी माँ कबहु उछंग कबहु बर परना, मातु दुलारई कहिए प्रिय ललना। बच्चों से बहुत प्रेम करना चाहिए, दोहराइए मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चों से बहुत प्रेम करना। अब ये भी बोलने में टैक्स लगा है का, बच्चों से बहुत प्रेम करना चाहिए। बोलिए, इससे पहले हम जिनके बच्चे हैं उनसे भी प्रेम करना चाहिए। मैंने एक कथा में कहा माँ से बहुत प्रेम करना चाहिए, तो किसी श्रोता ने कथा के बाद पूछा, महाराज अपनी माँ से कि बच्चों की माँ से, अब बताओ। सतीश भैया बताओ, अपनी माँ से। अरे मूर्ख चंद, मैं कह रहा हूं माँ से, माँ से माने अपनी माँ। ए बच्चों की माँ कहां से आ गई बीच में। आदमी डर के मारे थरथराता है कि अपनी माँ से करेंगे तो बच्चों की माँ कहीं नाराज ना हो जाए। उन्हें दो, अब आगे जो भी हो इल्जाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया है और बंदगी कर ली। माँ बाप भगवान है, माता पिता को भगवान मानिएगा तभी आपके बच्चे आपको भगवान मानेंगे। और जिनको अपने माता पिता में भगवान नहीं दिखता उनके बच्चे भी उनमें भगवान नहीं देखते, ये याद रखना। ये बड़ी कठोर है, मीठी नहीं है, लाली पाप नहीं है, कड़वी है। हमारे जीवन की ये झांकी हो भगवान श्री राम। बिगड़ गया। भगवान श्री रघुनाथ जी का एक सूत्र है, माता पिता के चरण में प्रेम नहीं करना चाहिए, माता पिता के वचन में प्रेम करना चाहिए। वचन में सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी अनुरागी, तनय मातु पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल सकल संसारा। दुर्लभ है ये मेरे राम जी। माताएं पालना डालती हैं, झुलाती हैं, आनंद प्राप्त करती हैं। ये कथा आज की। इष्ट देव मम बालक रामा, काग बुसुंडी जी के इष्ट भी भगवान बाल रूप में है। आचार्य जी एक अखंड रामायण हो रहा है उसमें संपुट गलत पढ़ा जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबो सुदशरथ अजर बिहारी, वो शब्द है अजीर, अजीर माने आंगन होता है। तो आप पाठ खूब करिए लेकिन श्री रामचरित मानस जी की पंक्तियों को देख कर पढ़िए। अजर माने होता है जो जरे नहीं। हाँ, अभी पंडित जी लोगों से तो कोई पूछता नहीं है, पंडित जी का काम। हमसे ज्यादा पंडित जी थोड़े जानते हैं, वो बीए हैं, हम एमए हैं। पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, इसके आश्रय का अर्थ है। तो कोई भी हो उसको ठीक कर, वरना देखिए एक चौबे जी मथुरा के किसी की पत्नी के मंगल के लिए कोई मंत्र जप कर रहे थे। अब वो मंत्र जप हो रहा था पत्नी की रक्षा के लिए, तो भांग लगी थी चौबे जी महाराज को, पेड़ा खा लिए एक किलो, तो र की जगह भ निकलने लगा, तो पत्नी रक्षतुम की जगह हो गया भक्षितुम भक्षितुम। तो जैसे पाठ पूरा भया पत्नी चल बसी। अब बड़ा आफत है, तो रक्षा के लिए पाठ हुआ और देवी चली गई, मचा गदर। तो जो सुन रहे थे एक भाई, उन्होंने कहा भैया देखो ये तो चौबे जी महाराज, अब ये कोई चौबे जी हो तो माफ करना, ये तो लग जाती है तो कुछ याद नहीं रहता है। क्यों डॉक्टर साहब, क्या बात, एक बार चढ़ जाए तो साहब
गति रोक देती है। ये बूटी ऐसी है शिव बाबा की, जो लेते होंगे वो जानते ही होंगे, गति रोक देती है। और जो लेते हैं उनसे कोई बात कह दीजिए कि भाई, तो 3 दिन बाद पूछेंगे, आप 3 दिन पहले हमसे कुछ कह रहे थे, अब आपको याद नहीं है, लेकिन उनको भूला नहीं है, क्योंकि 3 दिन बाद तो कंप्यूटर खड़ा हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई भी है, देखो मंत्र न जपो, जपो तो समझ के जपो भाई, इर बिर नहीं जपना चाहिए। लिखा पढ़ी में है, ऋषि मुनि संत महात्मा महापुरुष विद्वान आचार्य के श्री चरण में बैठकर पूछने में क्या खर्चा होता है, कोई लगना नहीं, लेकिन विधि का पालन हो। पाठ करने का महत्व नहीं है, शुद्ध अशुद्ध करने का महत्व, पंक्तियां शुद्ध हो उसका प्रभाव है। ये राम कथा जैसे तैसे नहीं है। हमारे सतीश भैया कह रहे थे ना कि चारों तरफ जल जला दिख रहा है, किसका, राम जी की कथा का। आदमी का कोई जल जले ना, आदमी तो खुदे दलदला में पड़ा हुआ, जिधर देखता हूं उधर वही वो दिख रहा है, कौन, मेरा राम दिख रहा है। सब तरफ राम जी की कथा है, जितने लोग आए हैं मेरी कथा सुनने कोई नहीं आया, मेरी कथा सुनने लायक नहीं है, मेरे राम जी की कथा सुनने लायक है। आप सब राम जी से प्रेम करो, हमको तो आप बख्शो महाराज, राम जी से प्रेम करिए। राम जी के चरित्र को सुना रहा हूं, और यह चरित्र सुनकर बच्चों से खूब प्रेम करिए, बच्चों को डांटिए मत, क्यों, बच्चों का कंप्यूटर का जो जिप होता है बड़ा छोटा है, लेकिन बड़ा लंबे समय तक टिकता है साहब, जैसे कुछ भी बोल दो तो रिकॉर्ड हो जाता है, बच्चों से भी आप जो बोलेंगे रिकॉर्ड हो जाएगा। बच्चों को झूठ बोलने के लिए रोकिए, सत्य बुलवाइए, झूठ बुलवाइए नहीं। ऐसी बात जो आप बच्चों के सामने नहीं कर सकते हैं, ए जाओ तुम्हारे सुनने लायक नहीं है, मत करो ना उसको, बोलो ही नहीं। घर को स्वर्ग नहीं बनाइए, घर को वैकुंठ बनाइए। स्वर्ग में कुछ है वह नहीं, गरुण पुराण का दर्शन करिएगा, स्वर्ग में कुछ नहीं है, केवल नाच होता है और देवता लोग चकाचक देखते रहते हैं बस। जितने भी बड़े आदमी बड़े कहे जाने वाले लोग हैं, उनके घर में पंडित जी जाप करते हैं, बड़े आदमी नहीं जपते हैं। पंडित जी आरती करते हैं, अब उनको आरती ले जाओ, हो गया दूर से ही करा दो। भगवान से कहिए, हे प्रभु हमके इतने बड़ा बनाए रहिए कि आपकी पूजा न छूट जाए। ज्यादा बड़ा खजूर बनने से लाभ नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। बड़ा इतना कि ये बड़े भगवान से हमारी दूरी न बढ़ जाए, अनुकूलता बनी रहे। जिनके जीवन में भगवान का भजन है, गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान के भजन का, भगवान के स्मरण का, भगवान की सेवा का समय प्राप्त हो रहा है, वही मानव जीवन धन्य, उसी की योग्यता है। माताएं पालने में पौढ़ा करके झुलाती हैं, आहा सखियां आई देखती हैं, ए बालक को सब कुछ श्रृंगार करके माँ जिठोना लगा देती है। तो सखी ने समझाया, मेरी माँ ने डिठौना लगाया, भगवान थोड़े बड़े भए, थोड़े से बड़े, ऐसा आनंद। आप सुनिए, समझ लीजिए, गुनिए। और ये बात जो यहाँ माँ ने, सरकार ने, श्री चक्रवर्ती जी ने भगवान से पाया, यह सुख हम भी अपने घर के बच्चों से पाएं। दो कठोर बात, कल भी आपसे निवेदन किया था, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, थक जाते हैं बच्चे पढ़े पढ़े, बहुत पढ़ते हैं, दुखी हो जाते हैं पढ़े पढ़े,
घर आके बच्चे सो जाते हैं। माँ बाप यदि दोनों नौकरी करते हों तो बच्चे होने के बाद भी बच्चों का सुख नहीं मिलता है। क्यों? सब बिजी हैं। इजी कौन है? कोई नहीं। थोड़ा अपने जीवन को ठीक से दर्शन करिए, इस झांकी का अवलोकन करिए। मैं बुरा न मानिए तो एक बात कहूँ, आज आपने पढ़ा होगा समाचार पत्र में, किसमें निकला है, हो वो गणितज्ञ ने विरोध किया ज्योतिष का, नई दुनिया में है कि किसी पेपर में है, मैं पढ़ा है, किसमें है, नई दुनिया में कोई रमण वेंकट रमण, उन्होंने विरोध किया कि वो होम्योपैथी और ज्योतिष कुछ कहा है, जो कुछ भी कहा हो, मैं राम जी की कथा करता हूँ। अरे भाई राम कथा बोलो ना, भागवत में ये लिखा है वो लिखा है, तुमको बोलने के लिए थोड़ी बुलाया गया है, राम कथा करने के लिए बुलाया गया है। गणित वाला गणित के बारे में बोले मूर्ख, ज्योतिष के बारे में टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है? जिसका जो कार्य है वो कार्य करे। बहू रानी का कार्य है घर को संभाले, पता चला बहू दरवाजे पर झाड़ू लगा रही है, तुम्हारा काम इधर है क्या? घर के अंदर संभाल करो ना भाई, किचन कैसा होगा, घर का डेकोरेशन कैसा होगा, घर का काम पूरा नहीं हुआ तब तक बाहर पंचायत लगी है, क्या बात है, तो वो विपत आई है, अंदर नहीं है क्या? जिसका जो कार्य है वो वही करे। हमको राम कथा काम सौंपा गया है तो हमारा कार्य है राम कथा करना, यहाँ ये लिखा वहाँ वो लिखा, ये अपना कार्य नहीं है, ये कार्य गुरु महाराज का है। जो जिस विषय में निष्णात हो वो अपने विषय के बारे में बतावे, ये हमारा है, हम ये हैं। अभी क्योंकि सनातन धर्म तो ऐसा शील संपन्न धर्म है, चाहे जो जो कह दे सुन लेते हैं। भाई छह शास्त्र है, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष, ये सब वेद भगवान के उपांग हैं, छह शास्त्र। अब तुम शास्त्र को चुनौती दोगे? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।